दोस्तों मैं हूं गजेंद्र और आप देख रहे हैं टेकी गजेश और आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा माय लिस्ट फॉर टॉप 6 स्मार्टफोन्स अंडर 8000 रुपीस। चलिए करते हैं वीडियो शुरुआत। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे इस लिस्ट की जो कि है टॉप 6 स्मार्टफोन्स अंडर 8000 रुपीज। अब देखिए 8000 रुपए का ये जो प्राइस ब्रैकेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन बीइंग कि यहाँ पे आपको बजट कैटेगरी के जो फोन होते हैं वो मिलते हैं और बहुत लोग आजकल सेल फोन्स ऑनलाइन क्लासेस के लिए या मान लीजिए बेसिक यूजेस के लिए या नॉर्मल काम के लिए खरीदते हैं, जहाँ पे उनको व्हाट्सएप यूज करना है, मान लीजिए यूट्यूब यूज करना है, हल्का हल्का वाला गेमिंग भी करना है, तो ऐसे में आपको ये वाली कैटेगरी में काफी बढ़िया फोन मिल जाते हैं। अब मैं जो आपको फोन बताऊंगा छह वहां पर मैं शुरू करूंगा बेसिकली 6 नंबर के फोन से, फिर बात करेंगे फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फाइनली बात करेंगे फर्स्ट नंबर का फोन, मतलब मेरी तरफ से सबसे बढ़िया कौन सा फोन है यहाँ पे 8000 रुपए की प्राइस ब्रैकेट में। अब चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे कि छठे नंबर का फोन कौन सा है मतलब मेरी लिस्ट में। अब देखिए ये जो फोन है ये सैमसंग का फोन है और बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कमेंट करके मेरे वीडियोज पे कि 8000 रुपए के अंडर सबसे बढ़िया सैमसंग का फोन कौन सा है। तो देखिए एक्चुअली ये जो फोन है ये है सैमसंग का गैलेक्सी M01 और यहां पर आपको काफी कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये फोन सिर्फ उन्हीं के लिए जिनको सिर्फ सैमसंग का फोन चाहिए। अगर आपको सैमसंग नहीं चाहिए तो आप वीडियो में आगे तक वेट करें और जो फोन जाएंगे वहां पे आपको और अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब देखिए सैमसंग गैलेक्सी M01 है, यहां पे एक्चुअली आपको 5.7 इंच की HD प्लस PLS सेफ्टी पैनल मिलेगी डिस्प्ले और साथ में आपको यहां पे स्नैपड्रैगन का 439 मिलता है। अब हालांकि इस फोन का एक डिटेल रिव्यू मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी और आपको यहाँ पे लिंक मिल रहा होगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ चेक कर लेना। इसकी परफॉर्मेंस जो है बहुत एवरेज है और अगर मान लीजिए आपको आउटस्टैंडिंग कुछ बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, गेमिंग बहुत करनी है, तो ऐसे में आपको ये फ़ोन डिसअपॉइंट कर सकता है, लेकिन ये फ़ोन एवरेज मतलब बेसिक यूज़ के लिए ठीक है, मतलब आपको व्हाट्सएप यूज़ करना है, यूट्यूब यूज़ करना है, हल्का फुल्का काम करना है, ऐसे में दिक्कत नहीं करेगा और आपको बढ़िया से यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस मिलेगा इस फोन का। अब देखिए यहाँ पर आपको 3GB रैम और 32GB स्टोरेज मिलती है और साथ में आपको 4000mAh की बैटरी भी मिलेगी और आपको यहाँ पे सैमसंग का वन UI मिल जाएगा जो कि एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड है और उसी के अलावा आपको यहाँ पे बैक में मिलेगा डुअल कैमरा विच इज़ योर 13+2 और फ्रंट इज योर 5 MP और की जो कॉस्ट है वो है करीबन 7499 रुपये अमेजोन पे। और बाय द वे ये जो मैं फोन बता रहा हूँ इन सभी के बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, आप वहाँ से डायरेक्टली इनको खरीद भी सकते हैं। तो इसी के अलावा अगर बात करें अगले फोन की यानी फिफ्थ नंबर के फोन की, तो अगला जो फोन है ये है Infinix का स्मार्ट 4 प्लस। अब देखिए ये फोन है ये एकमात्र फोन है मेरी इस पूरी लिस्ट में जहाँ पे आपको एक बड़ी सी डिस्प्ले मिल रही है, बड़ी मतलब 6.82 इंचेस की डिस्प्ले है, यहाँ पे HD प्लस है और आपको यहाँ बैटरी मिलती है 6000mAh की। अब देखिए ये फोन ऐसा फोन है जहाँ पे अगर आपको मान लीजिए YouTube बहुत देखना है, मान लीजिए आपको वीडियो बहुत कंज्यूम करना है, मान लीजिए आपको Amazon Prime आप बहुत देखते हैं या फिर मान लीजिए Netflix बहुत देखते हैं, मतलब आप अगर कंटेंट बहुत कंज्यूम करते हैं, मल्टीमीडिया कंटेंट बहुत कंज्यूम करते हैं, ऐसे में ये फोन आपको पसंद आएगा। रीजन बीइंग कि आपको यहाँ पे एक तो डिस्प्ले बड़ी मिल रही है, फिर बैटरी भी बड़ी है, तो आप ज़्यादा लंबे टाइम तक आराम से आपका वीडियो कंटेंट यहाँ पे देख पाएंगे। ये फोन में आपको 3GB रैम और 32GB स्टोरेज मिलेगी और साथ में यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 10 भी मिल जाएगा। बैक कैमरा इज डुअल कैमरा 13 MP जो मेन शूटर और एक और जो कैमरा है वो है आपका डेप्थ सेंसर और 8 MP का आपको मिलेगा यहाँ पे सेल्फी कैमरा। इस वाले फोन में एक प्रॉब्लम है वो ये कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, रीजन बीइंग कि आपको यहाँ पे मीडियाटेक का हीलियो A25 मिलता है जो कि बहुत ही एवरेज परफॉर्मर है। मान लीजिए अगर आपको परफॉर्मेंस के लिए कोई फोन चाहिए तो ये वाला फोन मत लेना, हल्का डिस्पमेंट आपको यहाँ पे हो सकता है, पर अच्छी चीज़ आपको यहाँ पे ये मिलती है कि इस फोन में आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलेगा और जो प्राइस है वो है करीबन 7499 मतलब करीबन 7500 रुपये और 7500 में आपको यहाँ पे मिल रही है बड़ी डिस्प्ले, बढ़िया डिज़ाइन, बड़ी बैटरी और साथ में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलेगा। तो ये आप फोन कंसिडर कर सकते हैं अगर आप इस रेंज में बेसिक फोन देखना चाह रहे हैं जहाँ पे परफॉर्मेंस आपको बहुत बढ़िया नहीं चाहिए। तो अगला जो फोन है जो कि मेरे लिस्ट में आता है फोर्थ नंबर पे ये है यहाँ पे Redmi का 9A और Redmi का काफ़ी अच्छा ऑप्शन है इस प्राइस ब्रैकेट में। डिस्प्ले है 6.5 इंचेस की HD प्लस की IPS LCD पैनल और साथ में यहाँ पे आपको मीडियाटेक का हीलियो G25 मिलेगा। यहाँ पर आपको 3GB रैम और 32GB स्टोरेज मिलती है और आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी। इस फोन में आपको बैक में सिंगल कैमरा मिलेगा 30 MP का और सेल्फी इज योर 5 MP। अब देखिए हालांकि जो फोनों में नॉर्मली डबल कैमरा डुअल कैमरा होते हैं या ट्रिपल कैमरा होते हैं उनमें मेजरली एक कैमरा होता है मेन कैमरा और बाकी या तो होगा डेप्थ सेंसर और या फिर होगा यहाँ पे डेप्थ सेंसर और माइक्रो शॉट्स के लिए नॉर्मली कैमरा होता है, वो दोनों ही कैमरा एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होते, तो सिंगल कैमरा होना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सच और यहाँ पे आप ये फोन कंसिडर कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा फोन है अलग ही रेडमी की तरफ से यहाँ पे और यहाँ पे आपको बैटरी बड़ी मिल रही है, डिस्प्ले बड़ी मिल रही है, तो यहाँ पे कुल मिला के ये ठीक फोन है, पर यहाँ पर भी आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलेगा और बाकी सब यहाँ पे ठीक है और सिंगल कैमरा भी है बाय द वे। और उसी के अलावा अगर बात करें यहाँ पे थर्ड नंबर के फ़ोन की तो ये है मेरी तरफ से Realme का C11
काफ़ी बढ़िया फ़ोन है और आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ मिलेगा। 6.5 इंचेस HD प्लस IPS पेंसिल पैनल जो है वो है आपको डिस्प्ले। मीडिया टेक का हीलियो G35 मिलेगा, मतलब आपको नॉर्मल कुछ गेमिंग करनी है हल्की फुल्की तो गेमिंग भी कर पाएंगे। 2GB रैम 32GB स्टोरेज है। अब यहाँ पे रैम हालांकि कम है पर G35 के साथ में 2GB रैम ठीक ठाक है, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं पर यहाँ पे ठीक ठाक है। 5000mAh की बैटरी है और Realme का UI मिलेगा, Android 10 मिलेगा, साथ में आपको 13+2 इज योर मेन कैमरा और 5MP का आपका मिलेगा यहाँ पे सेल्फी कैमरा। तो ये वाला फोन भी ठीक है, यहाँ पर भी आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलेगा, रैम कम है और परफॉर्मेंस एवरेज है, लेकिन यहाँ पे आपको डिस्प्ले बड़ी मिल रही है, बैटरी बड़ी मिल रही है और साथ में आपको यहाँ पे कैमरा भी डिसेंट मिलेगा। तो ये वाला फोन भी रियलमी का काफी बढ़िया फोन है, अगर आपको 8000 के अंदर फोन चाहिए ना तो ये वाला फोन आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। अब जो अगला फोन है यहाँ पे जो कि मेरी तरफ से मतलब मेरी लिस्ट में है सेकंड नंबर पे, ये काफ़ी पॉपुलर फोन है और बहुत मतलब यहाँ फीचर्स तो खैर हैं ही पर डेफिनेटली ये फ़ोन काफ़ी प्रोमिनेंट है और काफ़ी लोग इसे पसंद भी करते हैं। देखिए ये है यहाँ पे पोको का C3 और पोको के बहुत सारे फ़ोन अलग अलग प्राइस रेंज में बढ़िया बढ़िया ऑप्शन निकाले हैं पोको ने। 8000 रुपये से कम में ये एक ऑप्शन है जो कि डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया वैल्यू लेके आता है पोको की तरफ से और यहाँ पर आपको जो प्राइस मिलेगी वो है 7499, मतलब करीबन 7500 रुपये और आपको 6.53 इंच की मिलेगी आपको डिस्प्ले विच इज़ HD प्लस IPS LCD पैनल। मीडियाटेक हीलो G35 मिलेगा, 3GB रैम 32GB स्टोरेज, 5000mAh की बैटरी और ट्रिपल कैमरा सेटअप, मतलब यहाँ पर सिर्फ एकमात्र यही फोन है पूरी लिस्ट में जहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा मिल रहा है और 13+2+2 इज योर मेन कैमरा एंड 5MP इज योर सेल्फी कैमरा। तो काफ़ी बढ़िया बंच है, यहाँ पर भी आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलेगा, ये थोड़ी प्रॉब्लम होगी मुझे यहाँ पे। उसके अलावा काफ़ी कुछ मतलब ये सारा एक बंच बढ़िया सा फोन है और डिस्प्ले बड़ी है, ट्रिपल कैमरा है, बड़ी बैटरी है और आपको डिज़ाइन भी बढ़िया मिलता है। तो ये वाला फोन भी डेफिनेटली आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं और बाय द वे इन सभी फोन्स के बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, अगर आपको कोई भी फोन खरीदना है तो आप जाके लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली फोन को खरीद भी सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक भी नहीं किया वीडियो को, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लाइक करें ताकि ऐसे ही वीडियोज बनाने के लिए मोटिवेशन ज़्यादा मिलता है हमें यहाँ पे। अब देखिए इस सब के बाद में जो मेरा फर्स्ट नंबर का फोन है ये काफ़ी एक बढ़िया फोन है, इंडियन ब्रांड है और यहाँ पे जो डिफरेंस है सेकंड और फर्स्ट में वो बहुत ज़्यादा है, मतलब फर्स्ट नंबर का बहुत बढ़िया फोन है, प्राइस रेंज डेफिनेटली वही 8000 रुपये ही है और ये है यहाँ पे माइक्रोमैक्स का In1B, मतलब इंडिया और ये मॉडल है 1B। माइक्रोमैक्स का फोन है, इंडिया का फोन है, अभी निकाला है, नवंबर में लॉन्च हुआ था आई थिंक और ये काफ़ी बढ़िया फोन है और आपको यहाँ पे एक बढ़िया सा मतलब एक्सपीरियंस मिलने वाला है। जो स्क्रीन है वो है 6.5 इंचेस की HD प्लस की IPS LCD पैनल। मीडियाटेक का हीलियो G35 मिलेगा, 4GB की रैम है और 64GB स्टोरेज है, मतलब आपको यहाँ पे स्टोरेज ज़्यादा मिल रही है, रैम ज़्यादा मिल रही है, प्रोसेसर है G35 जो कि मतलब और फोनों में भी आता है लेकिन यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया मिलेगी। 5000mAh की बैटरी है और यहाँ पे टाइप सी पोर्ट मिलेगा आपको, मतलब सिर्फ एकमात्र यही फोन है जहाँ पे आपको टाइप सी का सपोर्ट ही मिलेगा। स्टॉक एंड्रॉइड मिलेगा, मतलब कोई ऐड नहीं, कोई ब्लोटवेयर नहीं, कोई कुछ मतलब प्री इंस्टॉल ऐड कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्टली पूरा जो स्टॉक एंड्रॉइड है वो मिलेगा। तो ये यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है और माइक्रोमैक्स ने कहा है कि 2 साल तक आपको स्टॉक एंड्रॉइड का सपोर्ट मिलता रहेगा, तो ये आपको काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस देने वाला है, मतलब एक्चुअल स्टॉक एंड्रॉइड 8000 रुपये में आपको सिर्फ इसी फोन में मिल रहा है, तो डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया है। जो कैमरा है वो है यहाँ पे डुअल कैमरा 13+2 MP और जो सेल्फी कैमरा है वो है यहाँ पे 5MP का। इसकी जो प्राइस है वो है करीबन 8000 रुपये और इसी का हालांकि एक और वजन भी है जहाँ पे प्राइस थोड़ी सी कम है हालांकि, लेकिन वहाँ पर आपको रैम भी कम मिलेगी, स्टोरेज भी कम मिलेगी, पर आई थिंक 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज 8000 रुपये डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। स्टॉक एंड्रॉइड मिलेगा, बड़े इस पर मिलेगी, बड़ी बैटरी मिलेगी और डिज़ाइन बढ़िया है, फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, तो ये भी आपको मिलेगा यहाँ पे और डेफिनेटली रैम सब मतलब 4GB है और 64GB की स्टोरेज भी मिल रही है, तो डेफिनेटली ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपको 8000 रुपये में फ़ोन चाहिए तो ये वाला फ़ोन आप डेफिनेटली कैसे कर सकते हैं और काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। और बाय द वे जो फोन उन्होंने बताया इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, अगर आप खरीदना है तो डायरेक्टली जाके क्लिक करके आप इनको खरीद भी सकते हैं। तो खैर आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे वीडियो के लिए बने रहे, हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।